इन द लास्ट क्लास हमने थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सम टर्म्स वी इनकर्ड देयर व्हाइल एनालिस्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल डिफाइन दीज टर्म्स इन the subsequent class, and today we are going to define these terms which we incurred during our last class. The first definition which we need is that of density. In your class 7th, you have come across the concept of density. Density, we define the mass per unit volume of a substance. किसी भी substance की density को हम define करते हैं mass per unit volume. Simple. So density is defined as mass per unit volume. Mass per unit volume, यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर हम देखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास समझाता है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेन होता है किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज कॉल्ड इट इज डेंसिटी. दिस डेंसिटी we represent by a Greek letter. It is not P, it is a red letter like this. You have to understand the letter, it is like this, and this letter we call as rho. It is a Greek letter, RHO, rho. We represent density by usually by this letter, but you can also represent the density by the capital D. I have written here density is the mass per unit volume. I can write density is equal to mass divided by volume. If you want to calculate the density of a substance, solid, liquid or gas, you have to use this equation. Density is equal to mass divided by volume. If the mass of a substance is known and the volume is known, you can find it is density. So we represent density by this red letter which we called as rho. This is a Greek letter rho, and I write rho is equal to mass we represent by m and volume we represent by v. So this is the equation for calculating the density of a substance. Now let us have a look on this equation. इस equation पे हम थोड़ा concentrate करेंगे, मतलब क्या है इस equation का, तो density को ज्यादा समझने के लिए इस equation पे हमें concentrate करना होगा. I have written density is equal to mass per unit volume, or rho is equal to mass divided by volume. So it means here two things we can infer from this equation. The first thing which this equation gives is that density is directly proportional to the mass. So किसी भी चीज की density depends upon its mass. अगर mass ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, अगर मास कम है तो डेंसिटी कम होगी. वो ग्रेटर मास एम्प्लाइज मोर डेंसर, मोर डेंसिटी. एंड लेजर मास, अगर किसी ऑब्जेक्ट में कम मास है
that will imply to low density. दो चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी. एक चीज जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको हम कहेंगे इट इज डेंसर, और एक चीज जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको हम कहते हैं इट इज अ रियर, इसकी डेंसिटी कम है. तो पहली बात जो यहां पर समझने के काबिल है दैट इज डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मास ज्यादा है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर मास कम है तो इसकी डेंसिटी कम है. लेकिन अब ये कंप्लीटली डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि एज यू सी फ्रॉम द इक्वेशन डेंसिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम, हाउ मच स्पेस द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज. नाउ इफ यू आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, आपके पास दो चीजें हैं, दोनों की मास बराबर है, अब कैसे आपको क्लियर होगा कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी डेंसिटी कम है. इसके लिए हमें वॉल्यूम वाला पैरामीटर लेना है. बात आ रही समझ में? अगर दो चीजें हैं, दोनों की मास भी बराबर है, दोनों का वॉल्यूम भी बराबर है, तो उनकी डेंसिटी भी इक्वल होगी. बात आ रही समझ में? अगर दो चीजें हैं दोनों की मास बराबर है लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट है, तो हमें देखना है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और किसकी डेंसिटी कम होगी. तो दूसरा पैरामीटर जो है जिस पर डेंसिटी डिपेंड करती है दैट इज अपॉन द वॉल्यूम. वो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. इट मीन्स ग्रेटर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वही है, अगर ये चीज बड़ी है जो डिनोमिनेटर में है तो ये चीज कम हो जाएगी. इट मीन्स ये चीज कम हो जाएगी. वो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी. ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, समझ लेना. ग्रेटर वॉल्यूम इंप्लाइज स्मॉलर डेंसिटी. और लेसर वॉल्यूम इट इंप्लाइज ग्रेटर डेंसिटी. ठीक. तो अब जो डेंसिटी है ये सिर्फ मास पे ही डिपेंड नहीं करती है. अगर भाई आपके पास मास बराबर है, दो चीजें हैं, व्हेन यू ट्राई टू कंपेयर द डेंसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, अगर दोनों चीजों की मास जो है बराबर है लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी किसकी डेंसिटी कम है. ठीक. वो ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम जो ज्यादा जगह ले ले, वो ऑब्जेक्ट जो ज्यादा जगह ले ले उसकी डेंसिटी कम होती है, उसको हम कहते हैं रियर ऑब्जेक्ट. और वो ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको हम कहेंगे डेंसर ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. वो वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी बहुत कम होगी, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी. ठीक. फिर से देखो, मानो आपके पास दो चीजें हैं. वंस यू हैव आयरन विद मास 1 kg, एट द सेम टाइम यू हैव कॉटन, यू नो इसका भी मास जो है 1 kg है. ये एक बेहतरीन एग्जांपल है जिसके जरिए हम डेंसिटी के कंसेप्ट को समझ सकेंगे. आयरन का 1 kg आपके पास है, कॉटन का भी 1 kg आपके पास है. देखो, आयरन का 1 kg आपने देखा है दुकानदार के पास, जो परमाना होता है 1 kg का, उसको आप अपने हाथ में थमा सकते हैं. ठीक. इट मीन्स जो आयरन का 1 kg है इसका जो वॉल्यूम है लेस वॉल्यूम है इसका, और आपके पास कॉटन जो है, रुई जिसको हम कहते हैं कॉटन, बिस्तर बनाने में जो इस्तेमाल चीजें होती हैं, जो आपके तकिए वकिए पिलोज जो होते हैं उनमें कॉटन भरा होता है. तो आप देखो, कॉटन का 1 kg, इसके लिए आपको एक बैग चाहिए. कॉटन के 1 kg को थमाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा बैग चाहिए जिसमें ये कॉटन आप थमा सकते हैं. सिंपल सी एग्जांपल है, समझने की कोशिश करो. आयरन का 1 kg देखो कितना छोटा, कितनी कम जगह ले लेता है,
लेकिन जब हम तराजू में डालते हैं आयरन का 1 किलो, तो देखो वहां तराजू सारी की सारी खाली होती है। लेकिन इसी तराजू के दूसरे पलड़े में जब आप कार्टन भर देते हैं तो तराजू का पूरा पूरा का पूरा जो पलड़ा है वो भर जाता है। इट मीन जो ये कार्टन है, कार्टन की भी मास यही है, हमने 1 किलो ये भी लिया, 1 किलो ये भी लिया, मास बराबर है, तो मास पे हम यहाँ पे डेंसिटी नहीं डिफाइन कर सकते। अब जो ये कार्टन है इसका जो वॉल्यूम है बहुत ही ज्यादा है, ग्रेटर वॉल्यूम एज कम्पेयर टू आयरन। कॉटन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, देख ले लो आप, कॉटन बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है, तराजू का सारा प्रोडक्ट कॉटन के 1 किलो से बढ़ जाता है, लेकिन आयरन के आप एक तराजू में तकरीबन 20-40 किलो भी डाल सकते हैं तो तराजू नहीं भर जाएगी। लेकिन वहां से आप देखो जो कॉटन है इसका 1 किलो सारा तराजू के पलड़े को भर लेगा। इट मीनस जो कॉटन है इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जब इसका वॉल्यूम ज्यादा है, मास दोनों के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इट मीनस इसकी डेंसिटी कम होगी। जो कॉटन है इसकी डेंसिटी कम होगी, लेस डेंस। और जो आयरन है आपका, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो हम कहेंगे मोर डेंस। ठीक। अब जो चीज डेंसर होती है उसमें पार्टिकल्स की जो स्पेसिंग होती है वो बहुत कम होती है। डेंसर ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन जो रियर ऑब्जेक्ट होता है, लेस डेंसर ऑब्जेक्ट होता है, उसमें पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि जो कॉटन है उसके पार्टिकल जो है दूर दूर तक होते हैं, बहुत ज्यादा जगह होती है पार्टिकल्स में, ठीक है ना। लेकिन आयरन में जो है पार्टिकल्स के दरमियान जिसने जो स्पेसिंग है बहुत कम है। तो लेस डेंसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की है तो पार्टिकल्स में स्पेसिंग बहुत ज्यादा होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोर डेंसर है तो उसमें पार्टिकल्स की स्पेसिंग है ना जो बहुत कम होगी। इस तरीके से हमने डेंसिटी को जो सम कंसेप्ट है क्लियर करने की कोशिश की। हाँ, दूसरी डिफिनेशन जो हमने पढ़नी है दैट इज रिजिडिटी। लेकिन इससे पहले जो डेंसिटी वाला चीज हमने पढ़ी, डेंसिटी, वहां पे आप लिख लोगे ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब मैं यहां पे रिपीट करता हूं, पहले इसी को डेंसिटी के मुताबिक इसको हम मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी को किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी तो वो होगा बराबर मास का ऐसा यूनिट डिवाइड बाय वॉल्यूम का ऐसा यूनिट, और मास का ऐसा यूनिट जो है दैट इज किलोग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम का जो है मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि जो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी है दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ, अब ऐसे लिखोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यू कैन राइट लाइक दिस किलोग्राम मीटर इज पर -3, ऑल द थिंग्स मीन सेम। वो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, गुड। अब दूसरी डिफिनेशन जो हमने पढ़नी है दैट इज रिजिडिटी। जो हमने पढ़ा, हमने देखा कि सॉलिड्स आर रिजिड, ये रिजिडिटी का मतलब क्या है। रिजिडिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस टू रेजिस्ट द चेंज इन शेप, एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन शेप। इसको हम दूसरा भी नाम बोलते हैं दैट इज डिफॉर्मेशन, और किसी भी चीज की जो शेप है बिगाड़ लेते हैं हम, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अब जिस चीज में एबिलिटी ज्यादा होगी, जिस चीज में ये सकत ज्यादा होगी कि वो अपनी शेप बरकरार रख सके, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे सॉलिड लिक्विड या गैस पे जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अब हमें देखना है कि इस ऑब्जेक्ट में कितनी शक्ति है कि ये इस एक्सटर्नल फोर्स को बर्दाश्त कर सके ताकि इसकी शेप चेंज ना हो सके, उसको हम कहेंगे रिजिडिटी। तो सॉलिड्स जो होते हैं यूजुअली सॉलिड्स में ये रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, सॉलिड्स की आसानी से हम शेप डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कुछ सॉलिड्स हैं उनकी हम आसानी से कर सकेंगे कुछ के नहीं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कुछ जो सॉलिड्स डिफॉर्म आसानी से नहीं होते हैं, जिनकी शेप हम नहीं बिगाड़ सकते हैं आसानी से, उनको हम कहेंगे दे आर मोर रिजिड, और जिन सॉलिड्स की हम आसानी से बिगाड़ सकते हैं उनको हम कहेंगे दे आर लेस रिजिड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्लास्टिक है, आपने एक हैमर ले ला, हथौड़ा आपने लिया, प्लास्टिक के एक बुकेट पे मार दिया, तो आसानी से आप उस प्लास्टिक के बुकेट को तोड़ सकते हैं इस हैमर से। आप यही हैमर ले लो और एक आयरन प्लेट पे मारो, तो आयरन प्लेट को कुछ नहीं होगा।
इट मीन्स आयरन प्लेट में एबिलिटी है कि वो इस फोर्स को रजिस्ट कर सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन प्लास्टिक में ये एबिलिटी बहुत कम है। इट मीन्स जो आयरन है इट इज मोर रिजिड और जो प्लास्टिक है इट इज लेस रिजिड। ठीक है, इसी तरीके से आप स्टोन ले लो, वुड ले लो, जब आप स्टोन पे हथौड़ा मारोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वुड पे आप ये हथौड़ा मारोगे तो वुड जो ब्रेक होगी। इट मीन्स वुड की जो शेप है वो डिफॉर्म होगी, स्टोन की आसानी से डिफॉर्म नहीं होगी। इट मीन्स स्टोन में ये एबिलिटी ज्यादा है कि वो अपनी शेप को बरकरार रखे, बनस्पति वुड के उसमें ये एबिलिटी कम है कि अपनी शेप को बरकरार रख सके। ठीक है ना, तो इस एबिलिटी को टू रजिस्टर द चेंज इन शेप वी कॉल इट एज रिजिडिटी। बात आई समझ। एक और डिफिनेशन जो हमने पढ़नी है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स जैसे आप आम मानों में ये कहते हैं कि हम किसी चीज को कंप्रेस कर सकते हैं या बोलते हैं हम किसी को कंप्रेस करो, तो कंप्रेस का मतलब क्या है? कंप्रेस मीन्स टू अटेन लोअर स्पेस और द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम। एबिलिटी टू रिड्यूस, एबिलिटी टू रिड्यूस लोअर वॉल्यूम, टू रिड्यूस टू लोअर वॉल्यूम, टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम। ठीक, कुछ चीजें हैं जिनको हम बहुत कम जगह घेरने पर मजबूर करेंगे और कुछ चीजें हैं जिनको आप जिनकी आप स्पेसिंग जो है ना वॉल्यूम ओवर रिड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी हमने कॉटन की बात की, कॉटन को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जब आप बाजार से कॉटन लेते हो, क्योंकि कॉटन एज सच बहुत ही ज्यादा जगह घेर लेता है, लेकिन जब हम इसको बोरे में भर लेते हैं कॉटन को, तो अब हम इसको कंप्रेस करते हैं, अपने हाथों से इसको कंप्रेस करते हैं या अपने पावों से हम कंप्रेस करते हैं। कहिर पोच मना तथा चल दून ये फम रटान दुकान पे बिस्तर खर ऐसा फम इत पे तुलान कि त्रा ठेलस मह कहें दहन किलोन खुद दह ठेल दह बैग, लेकिन हम क्या करते हैं जब हम कॉटन इस बोरे में भर लेते हैं तो हम इसको अपने पावों से ऊपर से कंप्रेस करते हैं, तो वो ज्यादा कॉटन कम जगह में आता है। बात आई हम, इसी को हम कहते हैं टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम, वो ज्यादा क्वांटिटी कम जगह घेर लेना, किसी भी चीज को मजबूर करना कि उसकी ज्यादा क्वांटिटी कम जगह में समा जाए, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है ना, तो ये भी एक एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट्स की, सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस की। सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, लिक्विड्स में उससे ज्यादा होती है, और गैसेस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती। गैसेस को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड्स को उससे कम, और सॉलिड्स को उससे कम कर सकते हैं। हो सकता है कुछ सॉलिड्स हैं जिनको आप कंप्रेस कर सकते हैं और बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे हैं जिनको आप टोटली कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये हुआ कंप्रेसिबिलिटी का मतलब। ठीक है ना, एबिलिटी टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम। इसके बाद एक और डिफिनेशन आती है जिसको हम कहेंगे फ्लूडिटी। ये एक और डिफिनेशन है फ्लूडिटी, इसका नाम फ्लूडिटी इज अगेन द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो इजीली। एबिलिटी टू फ्लो इजीली, ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स में नहीं होगी, ये लिक्विड्स और गैसेस में होगी। ये प्रॉपर्टी फ्लूडिटी किन में होती है? लिक्विड्स एंड गैसेस में। ठीक है ना, फ्लूडिटी वी कॉल द एबिलिटी टू फ्लो इजीली। किसी भी चीज की ये खासियत कि वो आसानी से चल सके, फ्लो हो सके। तो फ्लो कौन चीजें होती हैं? गैसेस फ्लो होती हैं, लिक्विड्स फ्लो होती हैं, है ना, वाटर फ्लो होता है, मिल्क फ्लो होता है, जितने भी लिक्विड्स हैं वो फ्लो होते हैं। लेकिन कुछ लिक्विड्स है ज्यादा जल्दी फ्लो होते हैं, आसानी से फ्लो होते हैं, और कुछ लिक्विड जो है ना वो ज्यादा आसानी से फ्लो नहीं होते हैं। आप देख लो गैसेस जो है ना बहुत ज्यादा फ्लो होती हैं। गैस आपके घर में एलपीजी जो होती है पकाने की गैस, अगर लीक हो जाएगी तो दूर दूर तक उसकी बू आती है। क्यों? क्योंकि वो इजिली फ्लो हो सकती है, बनस्पति लिक्विड्स के जो बाकी लिक्विड्स हैं वो इजिली फ्लो नहीं होते हैं। वाटर फ्लो होगा इजिली, मिल्क उससे कम फ्लो होगा, अगर आप हनी लोगे शहद वो उससे कम फ्लो होगा, है ना। तो फ्लूडिटी को हम डिफाइन करेंगे एबिलिटी टू फ्लो इजिली, किसी भी चीज की खासियत कि वो कितना आसानी से फ्लो होता है। तो आप सारी की सारी चीजें हैं, सारी की सारी लिक्विड्स, मैंने आपको कहा ये प्रॉपर्टी जो होती है ये फ्लूडिटी जो है ये यूजुअली होती है इन लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस में, है ना। तो सारे के सारे इजिली फ्लो नहीं होते हैं, कुछ इजिली फ्लो होते हैं और कुछ इजिली फ्लो नहीं होते हैं। ठीक है ना, इनको इसको हम कहते हैं फ्लूडिटी। वो लिक्विड्स जिनकी फ्लूडिटी ज्यादा होती है उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं,
वो लिक्विड्स या गैसेस जो बहुत आसानी से फ्लो हो सके उनको हम कहते हैं फ्लूइड्स. द लिक्विड्स विद हाई फ्लूडिटी, वो लिक्विड्स जो बहुत आसानी से फ्लो होते हैं उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं. हाई जैसे ब्लड हमारा है, वाटर है, फ्लूडिटी, उनको क्या कहा जाता है और कॉल्ड दे आर कॉल्ड एज, उनको हम कहते हैं फ्लूइड्स, FLUIDS, फ्लूइड्स हम इनको कहते हैं, ठीक है ना. वो लिक्विड्स विद हाई फ्लूडिटी दे आर नोन एज फ्लूइड्स, वो लिक्विड जो बहुत ही ज्यादा इजीली फ्लो होते हैं उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं. जैसे हमारा ब्लड है, इट इज अ फ्लूइड, वाटर इज ऑल्सो ए फ्लूइड, मिल्क इज ऑल्सो ए फ्लूइड, बिकॉज दीज लिक्विड फ्लो इजिली. गुड, तो ये कुछ डिफिनेशन थी जो हमने पढ़नी थी, तो हमने इस तरीके से इन डिफिनेशन को कंप्लीट किया. तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़.